किन्नर सम्मेलन से पूर्व कोतवाली के हठी माई मंदिर पर किन्नर समाज की प्रदेश अध्यक्ष कौशल्या नंदगिरी व महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी द्वारा पूरे विधि विधान के साथ विधिवत पूजा अर्चना की गई। वहीं पास में स्थित मजार पर ढोल नगाड़ों के साथ नाच गाकर जवानों की सलामती के लिए दुआ मांगी गई। चार के हम ही जुड़े खरे पीले दिया हमारे मियाँ बाजार माल को के चावल रंगे जा रहे हैं। हम खरा पीरा दादा गंगाराम जी के ही जुड़े हैं। हमारे माल को के चावल रंगा सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए किन्नर समाज के प्रदेश अध्यक्ष कौशल्या नंदगिरी ने बताया। खास करके हमारे गोरखपुर के जितने किन्नर समाज है सब कोई मिल के चारों पांचों जाना मिल के आज इस सम्मेलन के रचना किया गया है और आप लोग सच्चे में देख रहे हो भव्य तरीके से दिव्य तरीके से आज ये सम्मेलन हो रही है। आज का मेन ये उद्देश्य दाता जजमान के लिए आशीर्वाद के लिए उनके कामना के लिए उनके मंगल कामना के लिए आज ये पूरा देश के किन्नर लोग आए हुए हैं और हमारे पड़ोसी देश नेपाल से भी किन्नर लोग आए हुए हैं। देख लीजिए हमारे ये किन्नर समाज में कितना एकता है, कितना भव्य तरीके से आज पूजा किया गया। हमारे बुजुर्गों के यहाँ मजार थी, उस मजार में मत्था टेका गया और ये हमारे बुजुर्गों के मंदिर है, इस मंदिर में भी हम लोग भव्य तरीके से पूजा आजा किया गया। आज से ये हमारे सम्मेलन की शुरुआत है। आज हम लोग का मेन काम है चावल रंगने का दिन। चावल इसमें केसर हल्दी और सात मेहंदी दुनिया ये सात आइटम लगा के हम लोग इसको चावल रंगा जाता है, इसको चावल रंगना रसम बोला जाता है। ये हम लोग के किन्नर समाज के विशेष रसम है इसको। ये हमारे किन्नर समाज के बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बाद एक महीने के बाद फिर ये गोरखपुर में महा